हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ट्यून। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसका हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी गई है यूनिफॉर्म मोशन की, when an object covers equal distance in equal intervals of time, then it is known as uniform motion. तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी object equal distance लेता है और time interval का gap भी equal होता है तो उसे हम बोलते हैं uniform motion। जैसे कि आप इस example के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे चार points दे रखे हैं A, B, C and D। तो यहाँ पर आप A से B तक का डिस्टेंस देख सकते हैं 20 मीटर है, B से C तक का डिस्टेंस भी कितना है 20 मीटर है, एंड C टू D तक का भी डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है। उसी तरह से अगर आप टाइम नोट करें तो टाइम का गैप जो है वो 10-10 सेकंड्स का है, ठीक है, हर एक मतलब इंटरवल में जो है 10 सेकंड्स लग रहे हैं कवर करने में। सो यहाँ पर क्या है कि इक्वल ही डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट और इक्वल ही टाइम ले रहा है, तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहें कि इसकी स्पीड क्या होगी पूरी ओवरऑल जर्नी के अंदर, टोटल जो आपने डिस्टेंस कवर किया है ए टू डी पॉइंट तक, तो उसमें स्पीड क्या रहेगी, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पर चार पॉइंट्स दे रखे, तो पहले हम ए बी का देखते हैं। तो ए बी मतलब यहाँ पर हम स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और आप डिस्टेंस देख सकते हैं हर जगह पर 20 मीटर है। तो अगर मैं ए बी के लिए निकालूं तो डिस्टेंस 20 और टाइम कितना है 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखो बी से सी तक का, तब भी क्या है डिस्टेंस 20 है और टाइम कितना है 10, तो इसको कट करेंगे 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह से C टू D तक का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं 20/10। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी ओवरऑल जो जर्नी है जो आप कवर कर रहे हो उसमें स्पीड क्या रह रही है कांस्टेंट, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि वहां पर हमने देखा था कि गैप जो था इक्वल था 20-20 मीटर था, यहां पर क्या है कि टाइम जो है वो इक्वल है बट डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इस टाइप के मोशन के अंदर स्पीड क्या रहती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती, क्योंकि आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी की अगर आप स्पीड फाइंड आउट करो तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो अगर आप ए बी की देखो ए टू बी तक की डिस्टेंस कितना है 5 है और टाइम कितना है 5 है, तो एक कट होके 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर अगर आप बी सी की निकालते हो स्पीड, देन वो भी सेम फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना है बी टू सी तक का 10 और टाइम कितना है 5, तो यहां पर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर आप सी डी पॉइंट के निकालते हो तो सी डी में कितना रहेगा डिस्टेंस 20 मीटर एंड टाइम कितना है 5, तो यहां पर आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। सो यहां पर आप चेक कर सकते हैं जो आपकी स्पीड है वो बिल्कुल ही अलग है, कांस्टेंट नहीं है, एक बार 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है, सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है एंड सी डी में 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इसका एक और एग्जाम्पल लें, जैसे यहां पर आपने जो टाइम का गैप है वो 5-5 सेकेंड्स ले रखा है, बट अगर यहां पर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि डिस्टेंस तो आपका इक्वल हो सकता है बट टाइम अनइक्वल हो जाए, तो उस टाइप के मोशन को भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ यहां पर आपको, सपोज ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी एंड ये एक पॉइंट है डी, ठीक है। तो यहां पर हमने ले लिया 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर, तो डिस्टेंस तो यहां हमने क्या रख लिया इक्वल, बट टाइम हमने यहां पे क्या रख लिया अब अनइक्वल। सपोज यहां पर आ गया 5 सेकेंड, यहां पर आ गया 10 सेकेंड, यहां पर आ गया 20 सेकेंड, तो इस टाइप की सिचुएशन को भी, इस टाइप के एग्जाम्पल को भी आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर ऑब्जेक्ट जो है
इक्वल डिस्टेंस ले रहा है बट अनइक्वल टाइम इंटरवल ले रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी चीज अनइक्वल होगी एक, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो टाइम हो। तो इस टाइप के जो आपकी एग्जांपल है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सो बहुत ही सिंपल था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये क्वेश्चन जो है इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका डिफरेंस देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।